बजरंग दल प्रांत अध्यक्ष अधिवक्ता तुषार डोगरा ने कहा कि 21 जून को जिला सिरमौर के गांव गुलाबगढ़ पंचायत कुंडियों तहसील पोंटा साहिब में सैकड़ों मुसलमानों द्वारा गांव गुलाबगढ़ में ही रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों के 9 युवाओं के ऊपर पूर्व नियोजित योजना को अंजाम देते हुए लाठी चाकू से हमला कर 9 हिंदू युवाओं को जान से मारने तक की कोशिश की गई। घायलों में एक को पीजीआई व चंडीगढ़, 3 को मेडिकल कॉलेज नाहन एवं 5 युवाओं को पोंटा साहिब सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इनमें एक गुलाबगढ़ गांव का रहने वाला हिंदू युवा दिनेश चौधरी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। तुषार डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं धार्मिक उन्माद से प्रेरित हैं तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की पूर्णता सुनियोजित साजिश है। हिमाचल प्रदेश सरकार को इस तरह की घटनाओं की पूर्णता जांच करनी चाहिए तथा जो लोग ऐसी कार्रवाई में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जाएगा तो बजरंग दल पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन करेगा व ऐसे लोगों को संपूर्ण समाज के सामने उनका नकाब उतार कर नंगा करेगा। सिरमौर आज पूरे हिमाचल को बदनाम करने के ऊपर आ रहा है। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार के लोगों की जमानत से भी कनेक्शन देखा जाए, कहीं ये लोग किसी गलत अनैतिक गतिविधियों को अंजाम तो नहीं दे रहे। इस क्षेत्र में हिंदू समुदाय को अल्पसंख्यक करते हुए उनकी जगह जमीन को कब्जा करते हुए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश का हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। इस प्रकार की घटनाओं में कानून सख्ती से ऐसे गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक तत्वों से निपटे तथा सरकार इस मामले में पूर्णता अपनी कार्रवाई करे। आज एक वारदात हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के अंदर गुगा मरड़ी गांव के अंदर एक वारदात की गई है, जिसमें 21 जून की शाम को 150 मुस्लिम पक्ष के द्वारा 9 हिंदू अल्पसंख्यक लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई। आज हम कानून के ध्यान में और प्रशासन के ध्यान में एक संज्ञान में विषय लाना चाहते हैं। सिरमौर जिला के अंदर ये अल्पसंख्यक समुदाय कुछ स्थानों पर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय हो चुका है, उनकी आबादी तेजी से घटती जा रही है, इसका कारण क्या है और वहाँ पर ऐसी प्रतिक्रियाओं को अंजाम दिया जा रहा है जो एक बिल्कुल गैर कानूनी है। लोगों को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की, समाज को उल्ट पुल्ट मार्ग पर ले जाने की ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें पूर्णता हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो हिंसक घटनाएं हैं इसका पूर्णता रोकथाम होनी चाहिए। कानून इस प्रकार की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उस घटना के अंदर हमारे 9 कार्यकर्ताओं को, हिंदू समाज के 9 लोगों को जिस प्रकार से घायल किया गया और वो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं, ये कहीं का भी निर्णय नहीं है। हमारे बीच में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति है उसे बैठकर सुलझाना पड़ता है, हम कानून का मार्ग ले सकते हैं, लेकिन सिरमौर जिला के अंदर चाहे गुग्गा मरड़ी की बात हो चाहे मजारी की बात हो, इन ऐसे कुछ स्थान हो चुके हैं जहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने पर मजबूर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे लोगों द्वारा ऐसा तथाकथित षड्यंत्र चलाया जा रहा है जिसमें एक हिमाचल को एक हरियाणा के मेवात बनाने की तैयारी की जा रही है। बजरंग दल आह्वान कर रहा है, यदि इस प्रकार की घटनाओं में रोकथाम सरकार नहीं करती है तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन किए जाएंगे और इन आंदोलनों के तहत किसी भी प्रकार की कानून के तर्कसंगत रहते हुए प्रत्येक कार्रवाई की मांग की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।